ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कसना आरंभ कर दिया है। तंबाकू उत्पाद बेचने पर पूर्ण रूप से पाबंदी है, लेकिन फिर भी व्यापारी पैसे की लालच में आकर ये उत्पाद बेचने में लगे हैं, जिस पर विभाग द्वारा छापेमारी समय समय पर की जा रही है और तंबाकू बेचने वालों पर जुर्माना भी किया जा रहा है। सोलन में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तंबाकू उत्पाद बेचने पर पूर्ण रूप से पाबंदी है, लेकिन फिर भी व्यापारी पैसे की लालच में आकर अपने उत्पाद बेच रहे हैं, जिस पर विभाग द्वारा छापामारी समय समय पर की जा रही है और तंबाकू बेचने वालों पर जुर्माना भी किया जा रहा है। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के सहायक आयुक्त LD ठाकुर ने बताया कि विभाग द्वारा अब नियमों की उल्लंघना करने वालों पर और सख्ती की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के सहायक आयुक्त LD ठाकुर ने बताया कि हिमाचल में तंबाकू और निकोटीन पदार्थों पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसे बेच रहे हैं, जिनकी छापामारी की जा रही है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि सोलन शहर में कई दुकानदार विदेशी सिगरेटों को बेच रहे हैं, जिन पर चित्र की चेतावनी तक नहीं है। इन दुकानदारों का सामान भी जब्त किया जा रहा है और जल्द ही कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के रेगुलेशन 2.3.4 में टोबैको और निकोटीन किसी भी फूड आर्टिकल में नहीं हो सकता। तो जो भी फूड आर्टिकल जिसमें टोबैको या निकोटीन होता है वो बैन है। तो HP गवर्नमेंट ने भी, कमिश्नर फूड सेफ्टी ने गुटखा, खैनी, पान मसाला, मसहरी और वो सभी प्रोडक्ट जिसमें टोबैको और निकोटीन है उसको बैन किया हुआ है। ये बैन एक साल के लिए होता है। और टोबैको प्रोडक्ट्स के जो दूसरे चलान है वो कोटपा एक्ट के तहत होते हैं, जिसमें कोटपा एक्ट के सेक्शन 5 में कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं हो सकती। और सेक्शन 7 के तहत सिगरेट पर अगर पिक्टोरियल वार्निंग नहीं है, जिसमें लिखा होता है कि जो वैधानिक चेतावनी है वो नहीं लिखी होती, तो वो सिगरेट उसका जो बिजनेस ऑपरेटर है उनके पास बिल नहीं होता। और ये सारी स्मगल्ड सिगरेट्स हैं। तो टाइम टू टाइम जो भी टोबैको प्रोडक्ट बेचते हैं वहाँ का इंस्पेक्शन करते हैं, और जिसके पास ऐसे विदाउट पिक्टोरियल वार्निंग कोई सिगरेट मिलती है तो उनको हम सीज कर रहे हैं। 3-4 केसेस में अभी हम प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने वाले हैं। और लोकल सोलन से भी अभी हमने विदाउट पिक्टोरियल वार्निंग वाली सिगरेट्स मिली थी। मैं लोगों से और दुकानदारों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अब कोटपा एक्ट में कोई भी जो डिस्प्ले बोर्ड है, जो भी टोबैको प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो डिस्प्ले कर रहे हैं अभी भी सिगरेट्स को, तो वो डिस्प्ले नहीं कर सकते, वो सेक्शन 5 की वायलेशन है।